सेंटर रजिस्ट्री मामले में अनियमितता की शिकायत के बाद अब लोकायुक्त की एंट्री हो गई है। उज्जैन लोकायुक्त की टीम आज जांच के लिए रतलाम पहुंची। टीम ने नगर निगम और रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचकर संबंधित दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान के नेतृत्व में बुधवार सुबह लोकायुक्त की टीम रतलाम नगर निगम पहुंची। टीम ने यहां से सिविक सेंटर के प्लॉटों की रजिस्ट्री के मामले में जांच से संबंधित बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की। नगर निगम की टीम ने कई दस्तावेज भी लिए जो जांच के लिए जरूरी है। करीब एक घंटे से अधिक समय तक नगर निगम में रुकने के बाद टीम महलवाड़ा स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची। लोकायुक्त टीम ने यहां से सभी रजिस्ट्री की कॉपी ली। टीम ने रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी भी यहां से प्राप्त की। बता दें कि सिविक सेंटर के 22 प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर पिछले कुछ समय से नगर निगम का माहौल गर्माया हुआ है। इस मामले में शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लक्षकार भी अपनी जांच रिपोर्ट नगरी प्रशासन मंत्रालय को सौंप चुके हैं। इसके बाद निगम आयुक्त APS गहरवार को निलंबित भी किया जा चुका है। परिषद सम्मेलन में भी भाजपा पार्षदों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। परिषद में रजिस्ट्री शून्य करवाने का निर्णय भी पारित किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों रजिस्ट्री शून्य करने के परिषद के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। सिविक सेंटर प्लॉटों की रजिस्ट्री को लेकर EOW और लोकायुक्त को भी शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद आज लोकायुक्त टीम ने रतलाम पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर लोकायुक्त उज्जैन से आए DSP का कहना है कि सिविक सेंटर प्लॉटों की रजिस्ट्री में अनियमितता को लेकर लोकायुक्त को शिकायत हुई थी। इसी मामले में जांच के लिए आज टीम रतलाम आई है। नगर निगम और रजिस्ट्रार ऑफिस से दस्तावेज लिए गए हैं। जल्द जांच के बाद FIR भी संभव है। जो सिविक सेंटर रजिस्ट्री का जो मामला है उसमें आपको जो शिकायत, इसको जो जांच हुई, आज हमने क्या जांच में क्या करा है? आज हमने कुछ जानकारी नगर निगम से मांगी थी, जो सिविक सेंटर के भूखंडों के बारे में पुरानी पूरी जानकारी, तो वो जानकारी लेने में आज स्वयं नगर निगम आया था। तो कुछ जानकारी इनकी तैयार थी और कुछ और उसमें ऐड करके मैंने वो जानकारी ली, और जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी कॉपी लेने में रजिस्ट्रार ऑफिस भी गया था और वहाँ से उनकी कॉपियाँ मैंने प्राप्त की। अब इसमें आगे क्या होगा, किस तरह से? इसमें जांच, लोकायुक्त की जांच चलेगी और कोई भी, जो भी इसमें दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके विरुद्ध बिल्कुल जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो प्रक्रिया में किस तरह चलेगा, क्या नोटिस जारी होगा, किस तरह से? इसमें अभी जो जानकारी मिली है प्रिलिमिनरी, इसकी हम प्राथमिक रिपोर्ट जाएगी, हमारी स्क्रूटनी में जाएगी, फिर वहाँ से हमें कुछ बिंदु मिलते हैं, उसके ऊपर फिर आगे की हमारी पूरी जांच चलेगी और जांच के उपरांत उचित निर्णय लेकर संभव हुआ तो FIR भी। शिकायत क्या मिली थी आपको जी? शिकायत क्या मिली है आपको? शिकायत यही, सिविक सेंटर के जो भूखंड हैं इनकी जो अभी रजिस्ट्री हुई है उसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें तत्कालीन आयुक्त, सहायक आयुक्त वगैरह, स्टाफ है, कुछ प्राइवेट लोग भी हैं, सबके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है कि शासकीय कोष को हानि पहुंची है इससे। तो उस मामले में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग श्री अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में मुझे जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, तो जाँच मेरे पास। रतलाम कलेक्टर कार्यालय में सेमलिया नामली के एक ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। ग्रामीणों ने दोहरे हत्याकांड में आरोपी के मकान तोड़ने और सख्त कार्रवाई की मांग की। दोपहर करीब 12 बजे स्वजन व ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धरना देकर बैठ गए। ADM RS मंडलोई व SDM संजीव केशव पांडे चर्चा करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर को बुलाओ, उनसे ही बात करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12:45 बजे ASP राकेश खाका पहुंचे और धरना दे रहे लोगों के बीच बैठकर उनसे चर्चा की। मृतक गजेंद्र के बड़े भाई राकेश डोडिया व ग्रामीणों ने उनसे कहा कि शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सभी को सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोगों के साथ ऐसी घटना न हो। आरोपितों के मकान तोड़े जाएं और जांच कर उनकी अवैध संपत्ति जब्त की जाए। मृतक गरीब परिवारों से है, उनके स्वजन को आर्थिक मदद दी जाए। ASP राकेश खाका ने कहा कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, आरोपितों को बड़ी सजा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है, संपत्ति की राजस्व विभाग से जांच करवाई जाएगी। इसके बाद स्वजन व ग्रामीणों ने ADM को मांग पत्र सौंप कर प्रदर्शन समाप्त किया। जो
डबल मर्डर जो केस हुआ था उस संबंध में नामले थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 21 आरोपी थे जिनके विरुद्ध हालात अभी तक जो है 21 आरोपी के विरुद्ध में जांच में ये पाया गया कि इनके द्वारा एनकेन प्रकरण हत्या को स्वरूप दिया गया था। इस तारतम्य में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बचे जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है और साथ में कुछ और मांग जो की गई है जिसमें आवेदन पत्र में इनके द्वारा उल्लेखित किया गया है उन सभी तथ्यों पर जो है पुलिस अमल करके उन पर कार्रवाई करेगी। तो उन्हें की मांग कर रहे हैं जी हाँ, उसमें जो है उन प्रक्रियाओं को सभी को ध्यान में रखते हुए और जो भी प्रक्रिया है चूँकि वो राजस्व विभाग के तहत होना है तो उन संबंध में जो है राजस्व विभाग से प्रतिवेदन लिया जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और जो फरार आरोपी हैं इन पर भी जो है निश्चित रूप से जो फरार हैं उनके विरुद्ध भी इनाम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन लिया जाकर कार्रवाई की जाएगी। इनाम घोषित किया था अभी इसमें किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर साहब से हम ये आवेदन करने आए थे कि जो भी आरोपी है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनके जो मकान है जो अवैध मकान है उनको ध्वस्त किया जाए और उनकी जो संपत्ति अवैध संपत्ति वो प्रशासन जब्त की जाए। यह आश्वासन हमने आए थे और आर्थिक मुआवजा क्योंकि केशव और मेरे परिवार में हम बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर है और प्लस केशव के पापा नहीं है सिर्फ माता है और माता जी के अलावा उनके कोई भी नहीं है और मेरे घर पे भी ऐसी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसके खास नहीं है तो हम तो उस प्रशासन से थोड़ी मदद चाहिए और मुआवजा चाहिए। कलेक्टर प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया बोले कि उनको उनके जो भी अपराधी है उनको हमने नाम सब शो कर दिए हैं उसके अलावा उनके खिलाफ जो भी है वो जो बचे हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेंगे और आरोपियों को सख्त से कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम राकेश डोडिया निवासी अमलेटा। महाराज प्रहलाद सिंह जी राठौर नौगांव के पुत्र रामकुमार सिंह उम्र 58 वर्ष का देवलोक गमन होने पर आज सुबह त्रिवेणी मुक्ति धाम रतलाम पर अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार उनकी दोनों पुत्रियों ने किया। रामकुमार सिंह राठौर सज्जन क्षत्रिय परिषद रतलाम के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं एवं रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए आज उनकी ज्येष्ठ पुत्री राधिका और छोटी पुत्री याशिका ने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान की। इस दुखद घड़ी पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज जन एवं राजस्व कॉलोनी क्षेत्र के रहवासी सहित शहर के प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। मुक्ति धाम पर स्वर्गीय राम कुमार सिंह को सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।